ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का जो उच्चारण है वो परम पवित्र है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। और प्रत्येक मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम का उच्चारण का विधान है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ओम जो साउंड है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करें, तो उसके लिए हमारे पास ये लैकर एंटीना है, इससे हमें चेक हो जाता है। क्योंकि अगर मंत्र ठीक से प्रोनाउंस हो रहा है तो वो एनर्जी को एमिट्स करेगा, और अगर एनर्जी एमिट्स कर रहा है तो ये लैकर एंटीना उसको चेक कर लेगा कि एनर्जी आ रही है। और एनर्जी भी कौन सी आ रही है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी की आ रही है, मतलब बिल्कुल हाई ऑर्डर की जो एनर्जी है वो आ रही है, जो एनर्जी आपको हील कर सकती है, आपको शांत कर सकती है, प्रसन्न कर सकती है। तो इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं 17.6 पे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो है डिविनिटी। और ये लैकर एंटीना को पहले 3.3 पे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रीवियस रीडिंग। उसके बाद जो है इसको हम लाएंगे 17.6 पे। अब अगर हम ठीक से उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो एंटीना है मेरी तरह मूव करेगा इस साइड को। अगर ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है ओम शब्द की, तो ये जो है उल्टा दिखाएगा। तो इसको जो है आपने ओम कैसे बोलना है, पहले डीप ब्रीथ लेंगे, लंबा सांस लेंगे और उसको तीन पार्ट में उसको जो है प्रोनाउंस करेंगे, अ ऊ और म, ये तीन पार्ट में आप उसको प्रोनाउंस करेंगे लंबा श्वास लेने के बाद। तो लंबा सांस लिया, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, तीसरी बारी में वो एनर्जी का जो लेवल था हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी का वो रिफ्लेक्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना जाप शुरू करेंगे तो उसमें आपको शुरू में वो रिदम नहीं बनेगी, पर जैसे जैसे आपका ध्यान और फोकस बनता जाएगा वैसे वैसे जो शब्द है और जो मंत्र है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। अब आपने लिंग मुद्रा लगानी है, इसको ऐसे करके ये राइट हैंड और इसको ऐसे उंगलियां आपस में समेट लें, ये जो राइट हैंड का अंगूठा है इसको ऐसे बांध लें बाएँ हाथ के अंगूठे से, इस तरफ ये बीच में अंगूठा रहेगा आपका, ये इसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। लिंग मुद्रा आप अपने पास में रखेंगे, सामने बिल्कुल, लंबा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, नमः शिवाय का मन ही मन में बोलेंगे, बाहर नहीं करेंगे, भगवान शिव को मेडिटेट करेंगे। और आप जो है भगवान शिव को यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये आकाश तत्व है और इसके देवता भगवान शिव हैं। नीलकंठ महादेव को यहाँ पर ध्यान करिए उनका, और जो विधि आपको बताइए ओम जप करने की उसी विधि से आपने जप करना है। तो एक बार आप देख लीजिए, लंबा सांस लीजिए, और मन ही मन में नमः शिवाय बोलना है, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, नमः शिवाय मन में। तो जब आप इसको कंटिन्यू जाप करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको एक बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे, आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन, रिटेंशन पावर बढ़ेगी और जो आपकी एक डिवाइन एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश करेगी। ओम शांति।